देखते हैं गाइस कौन जीता है। ये देखो यार, हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि हमारे पास जो प्रो मोटो एमएक्स बाइक है उसकी रेस सुपरा के साथ लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइस, सुपरा के साथ साथ आज यहाँ पे मैं हमारी आर्मा लिमिटलेस कार भी लेके आ चुका हूँ, इसकी भी रेस लगाएंगे आज हमारी प्रो मोटो एमएक्स बाइक के साथ। देखते हैं गाइस ये जीतती है या फिर हमारी प्रो मोटो एमएक्स बाइक जीतती है। तो यहाँ पे आज मेरे पास देखो सुपरा भी आ चुकी है, और गाइस ये सुपरा का कलर मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। देखते हैं रेड कलर में हमारी सुपरा कैसी दिखाई देती है। तो इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ मैं, तो बाइक भी एक बार दिखा देता हूँ यार। जिसने अभी तक ये बाइक का वीडियो नहीं देखा यार, जाके जरूर से देखना भाई, ये बाइक एक नंबर है। तो आज इसको भी चलाएंगे भाई एकदम खतरनाक तरीके से टॉप स्पीड में। तो इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ। तो एक और कार भी आज मैं लेके आ चुका हूँ, ये लो भाई, ये है हमारी ट्रैक्सस हॉर्स। आज इसकी भी रेस कराएंगे सुपरा के साथ और हमारी प्रो मोटो एमएक्स बाइक के साथ। तो यार सबसे पहले ये जो सुपरा है इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स को रख दिया है। पहले सुपरा यार थोड़ी सी मेरे को अलग लग रही थी, आप देखोगे जब से मैंने इसके ऊपर रेड कलर कर दिया है भाई, इसका जो लुक है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वे रेड मैट कलर किया है, इस वजह से देखो गाइस अगर इसको मैं धूप में लेके जाऊंगा ना तभी ये खतरनाक तरीके से चमचमाएगी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको रखा है, उतना ज्यादा ये नहीं चमचमा रही है। आप देखोगे जैसे ही मैं इसको धूप में लेके आऊंगा ना भाई, ये इस तरीके से चमचमाने लगेगी। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ग्लिटर वगैरह भी दिखाई देगा। बाकी ग्लॉस में यार मेरे को उतनी खास लग नहीं रही थी वाइट कलर में, इसीलिए मैंने इसको खास तौर पे इस तरीके का रेड मैट फिनिश में किया है। एक बार इधर आ जाओ गाइस, ये जो बाइक है कम्प्लीटली ग्लॉसी फिनिश में है, और ये जो आर्मा लिमिटलेस है ये भी ग्लॉसी फिनिश में है, इस वजह से मैंने इसको छांव में रखा है। यहाँ पे भी ये इस तरीके से चमचमा रही है। बाकी हॉर्स भी आप देख सकते हो ग्लॉस फिनिश में होने के कारण इस तरीके से चमचमा रही है। बाकी ये जो पीछे का स्पॉयलर है ये भी पहले थोड़ा सा अलग दिखाई देता था, ये भी मैंने चेंज कर दिया है। और ये टोयोटा के जो स्टिकर है ये भी मैंने अभी कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। ये जो मेरे पास लिमिटलेस है ना यार, ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आरसी कार है। आज देखते हैं क्या ये कार हमारी प्रो मोटो एमएक्स बाइक को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। तो अभी सीधा चलते हैं गाइस हम लोग रोड पे, वहां पे इन सभी के बीच में रेस कराने वाला हूँ। देखते हैं आज टोयोटा सुपरा को कौन हरा पाता है। आज तक तो यार टोयोटा सुपरा को कोई भी रेस में नहीं हरा पाया है। सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में मैं रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। उससे पहले इसको थोड़ा सा मेरे को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसके साथ देखो ये चेन ल्यूब आता है, तो यहाँ पे चेन है गाइस, ये रियल बाइक में जैसी चेन होती है वैसी ही चेन दी गई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चेन ल्यूब हम लोगों को लगाना पड़ता है, वरना गाइस ये चेन खराब भी हो सकती है। थोड़ा सा मैंने लगा दिया है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा चलाते हैं ताकि पीछे का टायर जो है एकदम फ्री घूम सके। ये देखो काफी आराम से इसका जो टायर है अभी घूमने लगा है, ठीक है। अब हमारी प्रो मोटो एमएक्स रेडी हो चुकी है, चलो गाइस रेस कराते हैं। एक दो तीन, ये लो भाई दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। अब दोनों के अंदर वोल्टेज दबाने वाला हूँ, बाइक थोड़ा सा आगे निकल चुकी है। अब यहाँ से दोनों को टर्न कराते हैं। ओ माय गॉड, भाई साहब बाइक की स्पीड काफी ज्यादा है यार। अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है यहाँ पे भी। अरे बाप रे, दूसरे राउंड में भी बाइक बहुत ज्यादा आसानी से जीत गई है। हॉर्स का यहाँ पे छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, इसी बात का फायदा उठाकर व्हीली मारती हुई तीसरा राउंड भी जीत चुकी है प्रो मोटो एमएक्स बाइक। तो अब ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया मैंने। ओ माय गॉड, बाइक सही जगह पे आके रुकी है। हॉर्स थोड़ा सा वापस से क्रैश हो गई थी। तो गाइस क्लियरली आप लोगों ने देख लिया ना, बार बार यहाँ पे दोनों के बीच में जब मैंने रेस कराया तो क्लियरली ये हमारी प्रो मोटो एमएक्स बाइक जीत रही थी। तो अब एक काम करते हैं गाइस, इन दोनों के बीच में रेस में ये ऑफ रोड में लगाने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा ऑफ रोड में ट्रैक्सस की जितनी भी कार्स होती है वो बहुत मस्त तरीके से चल सकती है। यहाँ पे भी दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है।
हाई स्पीड है। बाइक यहाँ पे भी काफी इजीली आगे निकल चुकी है, अभी तक हॉर्स नजर तक नहीं आ रही है, ये एक राउंड लगा के भी वापस आ चुकी है। ये लो दोस्तों, अब हॉर्स यहाँ पे नजर आई है क्लियरली। ऑफ रोड में भी और रोड पे भी प्रो मोटो MX बाइक जीत चुकी है हॉर्स से रेस में। भाई ये हर जगह पे एकदम मस्त तरीके से चल रही थी। तो भाई साहब इसने हॉर्स को तो काफी बुरी तरीके से हरा दिया था, अब देखते हैं गाइस क्या ये बाइक अपनी सबसे खतरनाक सुपरा को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। चलो रेस को करते हैं स्टार्ट। ये लो भाई, दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। सुपरा के अंदर काफी खतरनाक सी आवाज आ रही है, सुपरा थोड़ा सा आगे निकल गई थी पर जब मैंने दोनों को टर्न कराया तो क्लियरली फर्स्ट राउंड में प्रो मोडो MX थोड़ा सा आगे निकल गई थी और सेकंड राउंड में भी इसने सुपरा को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। ब्रेक लगाते हैं गाइस। ये वाली रेस में भी आप लोगों ने देख लिया ना क्लियरली यार, हमारी जो प्रो मोटो MX बाइक है उसने सुपरा को भी हरा के रख दिया है। अब कराते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड रेस। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को इन दोनों कार्स के बीच में रेस लगाने के लिए बोला था, तो यहाँ पे आर्मा लिमिटलेस के अंदर मैं सिर्फ हाफ ट्रिगर यूज करने वाला हूँ। ओ भाई आर्मा लिमिटलेस तो यहाँ पे लिटरली स्लाइड कर रही थी रोड के ऊपर, पर पहले राउंड में क्लियरली आर्मा लिमिटलेस काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और ये दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका है। आर्मा लिमिटलेस बहुत ज्यादा आगे है, अब जाके सुपरा यहाँ तक पहुंची है। क्लियरली आर्मा लिमिटलेस बाप है इसकी। गाइस हमारी जो टोयोटा सुपरा है भाई लिमिटलेस जितनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। देखो गाइस इसको मैं जितनी स्पीड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई ये उतनी ही ज्यादा अनबैलेंस हो रही है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाइस सुपरा को मेरे को कम्प्लीटली अपग्रेड करना ही पड़ेगा। गाइस अब मैं रेस कराने वाला हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट RC बाइक वर्सेस दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट RC कार के बीच में। गाइस रेस स्टार्ट होने वाली है इन दोनों के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। चलो 1 2 3 लिमिटलेस कुछ ज्यादा ही स्लिप हो रही थी रोड के ऊपर, पर पहले राउंड में तो यार ये काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है और दूसरा राउंड भी लिमिटलेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस से जीत चुकी है। अब एक काम करते हैं गाइस यहाँ पे ब्रेक लगा के लिमिटलेस को थोड़ा सा स्लो करते हैं, बाइक को आगे जाने के लिए देते हैं। ये बाइक थोड़ा सा आगे निकल चुकी है, अब देखते हैं गाइस कौन जीतता है। ये देखो यार इस बार भी भाई लिमिटलेस काफी ज्यादा फास्ट है, मेरे को नहीं लगता ये बाइक लिमिटलेस को हरा पाएगी क्योंकि लिमिटलेस की टॉप स्पीड जा रही थी 200 किलोमीटर पर आवर, इसकी टॉप स्पीड जा रही थी 120 किलोमीटर पर आवर। पर ये बाइक एक चीज कर सकती है जो कि लिमिटलेस बिल्कुल भी नहीं कर सकती है गाइस, वो है ऑफ रोड स्टंटबाजी। ये बाइक के साथ मैंने इतने भयंकर वाले स्टंट लगाए हैं, ये देखो गाइस फ्रंट फ्लिप मारने की बात भी यार ये बाइक बिल्कुल भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके अंदर फ्लाई व्हील जायरो सेंसर दिया गया है। इसको तो मैंने मिट्टी में इतना खतरनाक चलाया है और इतने बार नीचे क्रैश भी कराया है, ये बाइक बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं है और ये बाइक बहुत ज्यादा रफ एंड टफ आप यूज कर सकते हो। तो अब देखते हैं ट्रैक्सर्स हॉर्स बिल्कुल बाइक जैसी स्टंटबाजी कर पाएगी या फिर नहीं। अरे मैं इसको फ्रंट फ्लिप कराने ही वाला था पर ये अचानक से क्रैश हो गई है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। अभी सेकंड अटेम्प्ट में देखते हैं गाइस ये स्टंट कर पाएगी या फिर नहीं। ये देखो भाई मजा आ गया यार, दूसरी बार में तो यार इसने दो बार फ्रंट फ्लिप लगा दिया है। यार ये कार तो बिल्कुल अपनी बाइक को टक्कर दे रही है स्टंट वगैरह करने के मामले में। तो अब एक काम करते हैं गाइस बाइक के साथ कुछ और स्टंट ट्राई करेंगे। ये देखो गाइस ओ माय गॉड कितने ढेर सारे फ्रंट फ्लिप लगाए थे यार इसने, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। ये बाइक ऑफ रोड में बहुत तेजी से चल सकती है। अरे बाप रे इस बार तो यार इसने 5-6 फ्रंट फ्लिप लगा दिए हैं। देखो हमारी बाइक फिर भी यहाँ पे क्रैश नहीं हुई है। सच में यार मेरे को नहीं लगता है कि अपनी जो हॉर्स है इतने ज्यादा फ्रंट फ्लिप कर पाएगी बिल्कुल भी। तो दोस्तों इसीलिए काम करते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खाई है तो अब ये खाई में से देखते हैं ट्रैक्सर्स हॉर्स निकल पाएगी या फिर अपनी प्रो मोटो MX बाइक निकल पाएगी। दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक सा ये टेस्ट में कराने वाला हूं। तो पहले एक काम करते हैं प्रो मोटो MX को चला के देखते हैं ये निकल पाएगी या फिर नहीं। ओ यार ये तो एक फ्रंट फ्लिप लगाने के बाद यहाँ पर आकर क्रैश हो गई है, ये यहाँ से जंप लगा के दूसरी तरफ नहीं निकल पा रही थी। फिर मैंने ट्रैक्सर्स हॉर्स को चला के देखा है, मेरे को लगा कि ट्रैक्सर्स हॉर्स भी यहाँ पर फंस के रह जाएगी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा पीछे लेके जैसे ही फुल ट्रिगर दबाया ना यार ये ट्रैक्सर्स हॉर्स तो भाई इतनी बड़ी खाई में से भी काफी इजिली निकल चुकी थी, मतलब कि ट्रैक्सर्स हॉर्स जो है काफी बड़े बड़े गड्ढों में से बहुत ज्यादा इजिली निकल सकती है। तो ये बाइक के अंदर मेरे को एक और प्रॉब्लम लगी, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी जो है
भाई वो थोड़ी सी लूज है, यहाँ पे मैं इसके साथ जीरो ड्रिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा था पर ये बाइक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही थी। फिर गाइज मैंने इसको हार्ड सरफेस पे ड्रिफ्ट कराने की कोशिश की है, ये देखो यहाँ पे तो भाई बहुत मस्त तरीके से जीरो ड्रिफ्ट कर रही थी, ये देखो गाइज, और ये बाइक हमारी निकल चुकी है। तो अब देखते हैं सेम जीरो ड्रिफ्ट अपनी सुपरा कर पाएगी या फिर नहीं। नो डाउट ये सुपरा रोड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट कर सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारी लूज मिट्टी है, इसके अंदर चला के देखते हैं गाइस। अब देखो स्टीयरिंग मैंने फुल टर्न कर दी है, ओ माय गॉड, काफी मस्त तरीके से रोड के ऊपर भी ये जीरो ड्रिफ्ट कर सकती है। साथ में लूज यानी कि एकदम ढीली ढाली मिट्टी के ऊपर भी ये काफी आराम से ड्रिफ्ट कर सकती है। आने वाले वीडियोस में मैं इसके अंदर साउंड सिस्टम लगाने वाला हूँ, फिर देखते हैं गाइस अपग्रेड करने के बाद इसके अंदर कितनी ज्यादा आवाज आती है। बाकी आज की वीडियो में मेरे को प्रो मोटो MX बाइक सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, क्योंकि गाइस आप इसको रोड पे भी चला सकते हो, ऑफ रोड में भी चला सकते हो और काफी खतरनाक वाली स्टंटबाजी भी कर सकते हो। मजा आ गया यार इसको चला के। वैसे गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आज की वीडियो में आपको लिमिटलेस अच्छी लगी, सुपरा अच्छी लगी या फिर अपनी ये प्रो मोटो MX बाइक अच्छी लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है राहुल, शाहिद, मशरूर, सचिन, तन्मय, गौरव, यश, नीरज, अयांश, आयुष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। आई दोस्तों।